हेलो जी, मुझे राजकोट के सारे मॉक्स के नंबर चाहिए, सारी डिटेल्स। जी, थैंक यू, मुझे लिंक मिल गया, थैंक यू। अब मुझे पता करना होगा कि उस दिन इनमें से किसी भी मॉक में कोई लाश आई थी क्या पोस्टमार्टम के लिए। मैंने सारे मॉक्स की लिस्ट चेक कर ली, अभी तक कुछ नहीं मिला। सेम डेट, इस मॉग में उस रात एक डेड बॉडी आई थी। इंटरनेट डाउन है, फोन ही कर लेता हूं, शायद पता चल जाए। मिस्टी खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, मुझे ऐसे नहीं देख सकती। नहीं, ओहो, FYI, मैंने चारकोल फेस मास्क नहीं लगाया हुआ, तो ऐसे फैमिली सीन में हॉरर सीन वाले रिएक्शन क्यों दे रही है? नहीं, वो मैं मिश्ती, पिछले कुछ दिनों से तुम लोगों को बहुत परेशान कर रखा है ना, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, देख, आई नो कि मैं बहुत रूड हूँ, पर मैं इतनी भी रूड नहीं हूँ कि तू मुझे सॉरी बोले और फिर भी मैं तुझे ताने देती जाऊँ, है ना? देख, हम BFF तो थे नहीं, बट हमने बचपन से BFF होने का नाटक किया है ना, एक साथ रूम भी शेयर किया है, राइट? इसीलिए मैं तुझे जानती हूँ, आई नो यू मिश्ती। तू जब से वापस आई है तू बहुत परेशान रहती है, ऐसी कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? किसी बात से तू बहुत परेशान है ना, बता ना। परेशान थी पर अब नहीं। अच्छा, अब क्या है कि मैं ना सच में तुझसे फाइट कर करके थक गई हूँ बिल्कुल, अब कुछ और ट्राई करें। अब से मैं फाइट नहीं करूंगी। मतलब अब से हम दोनों फ्रेंड्स? तू सच में बहुत बुद्धू है। देख, हम लड़के थोड़ी ना है कि एक क्रिकेट का गेम खेला और बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, है ना? हम तो लड़कियां हैं, लड़कियां फ्रेंड्स तभी बनती हैं जब वो एक दूसरे को अपना सीक्रेट बताए। बता ना मिश्ती, बता ना, तू आजकल इतनी ऑफ क्यों रहती है? इतनी ऑफ रहती है कि आजकल तुझसे फाइट करने में भी मजा नहीं आता। अब तो सच में मुझे तेरी टेंशन होने लगी। देख, I know, तुझे लगता है कि मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, हाँ, है ना? सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। बट देख, आज मैं तुझसे तेरी प्रॉब्लम पूछ रही हूँ, जानना चाहती हूँ, मैं उसे सॉल्व करना चाहती हूँ, तो तुम मुझे टाल रही हो। मैं देखती हूँ। अगर सबको अवार्ड मिल रहा है तो मैं भी अपना नॉमिनेशन दे देता हूँ बेस्ट नंदोई के अवार्ड के लिए, और मैं अवार्ड जीतने के लिए खुद का प्रमोशन भी करूंगा। अगर आप सब मेरे घर पर केतकी के साथ लंच के लिए आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगे। सुना अबीर, केतकी के साथ? तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है? एंड बाय द वे, केतकी थोड़ी बिजी है, तो हम तीनों तो आ ही जाएंगे। केतकी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेलो प्यार की दुश्मन, क्या कर रही हो ये? होने वाले पति पत्नी है यार, मिलने दो उन्हें। क्यों केतु सेतु? वरुण, हम जरूर आएंगे, हम सब केतु सेतु के साथ आएंगे। सेतु मतलब ब्रिज? अब हाँ,
क्या है? क्या हुआ? कि तू नहीं जाना क्या? मना कर दू? नहीं सीत। अरे हाँ, मैंने आप लोगों के लिए कोल्ड कॉफी भी बनाई है, मैं अभी लेके आती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रही है। I'm sorry वरुण, मैं नहीं आ पाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि मैं वेडिंग प्लानर हूँ ना, वेडिंग प्लानर के पास बहुत सारे काम होते हैं। पर नेक्स्ट टाइम पक्का। माँ, okay, I know मिष्टि चाहती है कि मैं उसके साथ चलूं, क्योंकि मेरे बिना तो पार्टी अधूरी है। इट्स लाइक बिना आइसिंग के केक। पर मैं आ नहीं सकती क्योंकि बहुत काम है ना, और सब जानते हैं कि मैं अकेले ये सब मैनेज करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। इट्स लाइक 2K टेबल जितना आसान है मेरे लिए। तो आप दोनों जाओ। I agree. मेरी ब्रो वर्ल्ड की बेस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजर। बेस्ट पार्टी ऑर्गेनाइजर का अवार्ड तो ब्रो का ही। थैंक्स ब्रो। मिष्टि, मुझे बस एक बात पूछनी थी। ये कॉफी तुमने अपने हाथों से ही बनाई है ना? नहीं, मेरा मतलब ये कॉफी को टीचर ने तो नहीं बनाई है ना? मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कौन सी दवाई इसमें डाल दे। नीति, और गलत जगह पर गलत बात कह के सबको ऑकवर्ड फील कराने का अवार्ड मामी का। मिस्टर डेव, लिसन टू मी, मुझे इस शादी के लिए रेड रोज ही चाहिए। बाकी शादियों में व्हाइट रोजेस यूज होते होंगे, बट इस शादी में वही होगा जो हमारी केतु चाहिए। हैशटैग दुल्हन की चॉइस। ओके, थैंक यू। कोहो, हाँ माँ, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा है। हाँ माँ, मैं सीक्रेट, मिष्टि के सीक्रेट का पता लगा रही हूँ। यहाँ खड़े रहकर तुम उन लोगों के साथ वरुण के घर क्यों नहीं गई? वो क्योंकि मैंने सोचा कि उनके पीछे से उनके रूम की तलाशी लूंगी। हैशटैग सर्च, रूम सर्च। तो फिर यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी। ओके माँ, ओके। बेनबा, लेटर बॉक्स के पास? अबीर, हॉस्पिटल से और फोन नंबर्स मिले हैं, भेज रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। ब्रो, हॉस्पिटल से कौन से नंबर मंगवा रहे हैं? इतने सारे मॉग्स के नंबर्स? अबीर ब्रो, हॉस्पिटल्स और वहां रखी डेड बॉडीज की जगह के नंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं? जो नंबर्स आपने भेजे थे मैंने ट्राई करके देख लिए, और कुछ पता चले तो लेट मी नो। थैंक्स। अरे क्या करूं, भैया को फोन करता हूं। ये नंबर भी अभी तो किसी हॉस्पिटल ने ही भेजा था। किसका हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सस्पेंस नॉवेल के अंदर आ गई।
हेलो अरे मैं ठीक हूँ, इट्स फाइन अरे भाई मैं बर्फ लगा देता हूँ ना भाई। इट्स ओके, मैं कर लूंगा आराम से। आई एम सॉरी वरुण, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। ये आवाज तो चटनी पहचानी लग रही थी, ये नंबर किसका हो सकता है। धीरे धीरे से आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।